हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइज, जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लैंडिंग पेज जो है वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। वैसे तो लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं, आप HTML के जरिए जो है किस तरह से बहुत ही बेहतरीन जो है लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, ज्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, ये आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। कॉल टू एक्शंस वगैरह कैसे कंटेंट को सेट करना वगैरह सब चीज जो है मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो का गाइस एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो गाइस चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है HTML के अंदर हम बहुत आसानी से जो है कोडिंग के जरिए लैंडिंग पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारा लैंडिंग पेज, जिसकी इसकी तरह का लैंडिंग पेज जो है हम लोग अभी डिजाइन करके दिखाऊंगा किस तरह से आप ये लैंडिंग पेज इस तरह के डिजाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो मुझे चाहिए यहाँ पे एक टूल, सब्लाइम टेक्स्ट का आप डाउनलोड कर सकते हो या नोटपैड प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी भी जो भी आपका डिज़ाइनिंग के लिए कोड आपके टूल इस्तेमाल होते हैं आप उनको जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो ये यहाँ से जो है मैं HTML में कर देता हूँ, बिकॉज हम लोग HTML का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे मैंने HTML लिख के उसको टैप दबाया तो बेसिक जो आपका सेटअप होता है वो हमारे पास आ चुका है। सो लेट से मैं यहाँ पे जो है इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, लैंडिंग पेज करके इसका जो टाइटल है वो दे देता हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, क्योंकि हमें जो है इसको पूरा डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप लेने के लिए आपको जो है हमें यहाँ जाना पड़ेगा, आपका बूटस्ट्रैप 4 हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप डायरेक्टली यहाँ से इसका जो CSS प्लस जावास्क्रिप्ट है वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है इसका कॉपी कर लेता हूँ, राइट, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और इसको जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और इसी तरह से जो है आप लोगों को इसका जो जावास्क्रिप्ट है वो आपको अगर कुछ एक्शंस लगाने हैं तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको ये आपके जो फुटर साइड के सेक्शन के ऊपर में इसको लगाना है। तो ये हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कर दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास जो है मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया लैंडिंग के नाम से, इसके अंदर मैं इसको index.html जो है सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने index.html सेव कर दिया है और आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, यू कैन सी ये रहा हमारा index.html। तो इसको ओपन करके दिखाऊं तो अभी यू कैन सी यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली ब्लैंक है। तो हमें जो है इस तरह का अगर लैंडिंग पेज रेडी करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ कोडिंग्स करनी होंगी, तो मैं कोडिंग आप लोगों के सामने करता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर, राइट, बॉडी सेक्शन के अंदर जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पे जो है हम डिव क्रिएट करेंगे, तो डिव के ये हम मैंने एक डिव क्रिएट करा। सो बेसिकली इसको जो है मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ये हमारा लोगो सेक्शन होगा जो कि ऊपर साइड पे हमने रखना है। और इस लोगो सेक्शन के अंदर ये जो डिव है इसको मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देता हूँ। तो क्लास रहेगी यहाँ पे कंटेनर, तो कंटेनर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कंटेनर रख देते हैं और इसको जो है मैं यहाँ पे कुछ XYZ आप लोगों को दिखाने के लिए ये हमारा रिफ्रेश करते हैं। तो नाउ यू कैन सी आपके पास यहाँ पे जो है ये कुछ हमने जो लिखा है टेक्स्ट वो आपका आ चुका है। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लोगो चाहिए। तो लोगो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और मैं जो है यहाँ पे कंटेनर जो है वो बनाता हूँ, डिव बनाता हूँ। सो ये मैंने एक डिव बना दिया और इसको भी एंटर करते हैं, इसको भी जो है मैं यहाँ पे क्लास में डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके कुछ सेक्शंस जो ग्रिडिंग सिस्टम है वो हम डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ MD-6 ताकि ये जो है आपके रेस्पॉन्सिव भी बन सकें। सो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं और इसमें जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा margin-left-auto और फिर उसके बाद स्पेस margin-right-auto। तो इस तरह से हम क्रिएट करेंगे और इसके बीच में मैं यहाँ पे इमेज डालूंगा जो कि हमारा लोगो होगा। तो img टैग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर अभी जो मेरा यहाँ पे इमेज है वो मैं आपको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो लोगो जो है वो ये रहा हमारा, तो इसको मैं कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूँ और ये डायरेक्टली यहीं पे पड़ा हुआ है। सो और यहाँ पर जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद एक बार अगर हम रिफ्रेश करें तो यू कैन सी ये आपका जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसको जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
साइज डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टाइल में जाता हूँ और स्टाइल में जो है इसकी जो विड्थ है, विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल हम जो है यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और एक बार अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो यू कैन सी आपका जो निरंकारी इन्फोटेक का जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, राइट। तो ये आपका हो चुका है। अब ऐसे में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे 6 लिया है तो ये आपका एक 6 सेक्शन है, तो मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ ताकि आपकी पूरी पेज की विड्थ जो है वो आए। तो मैं इसको कर देता हूँ 12। तो ये मैंने 12 पूरे यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम का ले लिया। नाउ यू कैन सी आपका जो लिंक, ये जो आपका लोगो है वो बिल्कुल एक साइड पे आ गया। अब इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करना है तो मुझे क्या, अब यहाँ पे अगर इसको छोटा लग रहा है लोगो तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 250। अब मुझे इसको सेंटर में करना, तो मैं इसका जो ऊपर वाला जो कवर है उसके अंदर मैं जाके यहाँ पे स्टाइल लेता हूँ, और स्टाइल के अंदर जो है मैं यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन करता हूँ, दैट इज टेक्स्ट अलाइन, और इसको कर देता हूँ सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे जो लोगो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसके नीचे जो है मुझे इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जो है हम लोग इसमें इस पूरे सेक्शन से बाहर आते हैं और यहाँ पर HR टैग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नाउ यू कैन सी HR टैग मैंने लगा दिया है, तो इसको रिफ्रेश नहीं करना, मुझे इसको रिफ्रेश करना। नाउ यू कैन सी ये लाइन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद हमें ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये डिफाइन करना है, तो जहाँ पे हम ये लर्निंग कंप्यूटर फॉर, ये मैं कंटेंट यहीं से उठा लूँगा, इसी को मुझे डिफाइन करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस हम एक और सेक्शन यहाँ पे बनाएंगे, तो इसमें वापस से अगेन जो है मैं यहाँ पे डिव क्रिएट करता हूँ और इसको क्लास डिफाइन कर देता हूँ। इसमें जो है क्लास डिफाइन कर देता हूँ कंटेनर, और इसके अंदर जो है एक और डिव हम क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम कंटेंट जो है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इसका जो क्लास है इसका भी जो पूरा विड्थ है वो मैं पूरी कंप्लीट दूंगा 12 वाली, ताकि ये पूरे पेज को कवर करे। और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे H1 टैग जो है वो इस्तेमाल करूँगा। अब H1 टैग के अंदर मैं ये वाला सेक्शन लूँगा, तो मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे हमने कर दिया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे H4 का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि उसके अंदर जो छोटा वाला टेक्स्ट है ये वाला, इसको भी मैं यहाँ पे लिख सकूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और एक बार इसको सेव करके हमारा पेज जो है उसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो नाउ यू कैन सी आपका जो है यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब मुझे इसको जो है थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे सेंटर में लाना है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, तो अब इसको सेंटर में करने के लिए जो है हम यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, और स्टाइल के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन और इसको कर दूंगा सेंटर। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। अब जो है हम चलते हैं वापस से इस पेज पे और एक बार रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी आपका जो है ये सेंटर में आ चुका है। अब इसमें अगर ये ऊपर साइड पे आपको जो है यहाँ पे ऊपर साइड पे अगर और नीचे साइड पे अगर आपको जो है स्पेस देना है, तो हम यहाँ पे पैडिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, सो दैट कि हमारे पास में आ सके स्पेस। तो यहाँ पे पैडिंग टॉप डिफाइन कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 45 पिक्सल, और यहाँ पे इसके नीचे साइड पे जो है हम पैडिंग बॉटम डाल देते हैं। पैडिंग बॉटम के अंदर जो है मुझे सिर्फ से फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल की ही रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी आपका ये सिस्टमेटिक हो चुका है, ऊपर में स्पेस आ चुका है। अब जो है हम यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसको क्रिएट करेंगे, राइट। इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग से एक डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो है मैं वापस से एक डिव क्रिएट करता हूँ और इसको जो है क्लास और इसको जो है कंटेनर में डिफाइन कर देते हैं, और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करूँगा। सो इसको डिव क्रिएट, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो सेक्शन क्रिएट करने, एक सेक्शन इस तरफ एक सेक्शन इस तरफ में क्रिएट करना है। तो मुझे यहाँ पे डिव क्रिएट, एक दोनों के लिए जो है मुझे रॉ डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे रॉ डिफाइन करने के लिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रॉ, और इसके अंदर जो है मैं दो सेक्शंस बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिव, और ये जो है आपका डिव रहेगा वन वाला, राइट, इसको वन दे देते हैं नाम, और एक इसके बाद एक और नीचे इसके एक और डिव क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं टू। अब हर जो डिव है वो आपका 50% होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉल डिफाइन कर देता हूँ 12 की जगह पे। अब मैं को 6 डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन कर दी, इसके अंदर एक और क्लास डिफाइन करेंगे कॉल -6,
तो ये जो है हमारा क्रिएट हो गया है। अब जो है एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। नाउ यू कैन सी वन आपका यहाँ पे आ गया और टू आपका यहाँ पे आ चुका है। तो मतलब ये आपका जो है दो भागों के अंदर डिवाइड हो चुका है। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, अब ऐसे में अगर आप चाहते हो कि नहीं इसके अंदर दोनों साइड पे, तो मुझे ऊपर में क्या करना है यहाँ पे इक्वल कंटेंट डालना, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर हम वो कंटेंट डायरेक्टली डालेंगे, तो मैं ये कंटेंट यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये जो है आपका एक टॉप ले लेंगे, तो मैं इसको जो है H2 के अंदर डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ H2 टैग, ये मैंने H2 टैग लिया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया। अब इसके नीचे जो है मैं जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर जो है मैं ये इस तरह से कंटेंट जो कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे जो है ये वाले टैग्स लेने, ये वाला कंटेंट लेना है, तो मैं इसको अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर भी जो है पी टैग का इस्तेमाल करके भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसको ज़रा नीचे कर देते हैं, गलती से ऊपर आ गया था। तो यहाँ पे जो है हमने ये डिफाइन कर दिया पी टैग एक, इसी तरह से हम और पी टैग का इस्तेमाल करेंगे। सो ये एक और पी टैग बना दिया, इसके अंदर हमने ये वाला सेक्शंस ले लेना है, तो ये कॉपी किया और ये हमने पेस्ट किया। और इसी तरह से वापस एक पी टैग ले लेंगे अगर हम लोग इस तरह से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, अदरवाइज़ इसके और भी तरीके हैं करने के, बट आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें कोई भी मुश्किल ना हो आप लोगों को इसमें एडिट करने की। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को इस तरह से जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया और इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पे पी टैग एक और ले लेंगे, तो ये पी टैग लिया और इसके अंदर भी हमने ये पेस्ट कर दिया है, राइट। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इमेज डालनी है, तो मैं यहाँ पे इमेज लेता हूँ, तो IMG। और इमेज लेने के बाद जो है यहाँ पे मेरे पास इमेज जो है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इमेज रही मेरी ये वाली, तो ये इमेज जो है मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके नीचे वापस मैं यहाँ पे पी टैग डालता हूँ, और पी टैग डालने के बाद इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है मेरा नाम, तो वो मैं नाम जो है यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। तो नाउ लेट्स सी, इसको सेव करते हैं और ये कैसा दिख रहा है एक बार हम चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे हम गए और यू कैन सी यहाँ पे जो है ये कंटेंट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये इमेज कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, तो इमेज को मुझे छोटा करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ, स्टाइल, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो कम कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ से फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल। ये मैं यहाँ पे करने के बाद इसको सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो नाउ यू कैन सी ये जो मेरी फोटो भी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, 150 थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मुझे छोटा करना है, तो मैं इसको 100 पिक्सल पे रख देता हूँ। तो ये आपका जो है यहाँ पे कंटेंट आ चुका है। अब ये जो दूसरा सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास एक पेड टूल है विच इज़ कन्वर्ट किट। तो अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो है ये टूल का इस्तेमाल करता हूँ जो कि कन्वर्ट किट मेरे पास पेड टूल है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ से जो कोड कॉपी करके यहाँ पर इसका जो सेकेंड सेक्शन है इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, अब इसको सेव कर दिया है। एक बार जाके वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पर जो है आपके पास ये वाला सेक्शन भी आ चुका है। अब इसको जो है ब्यूटीफाई करना है, तो ब्यूटीफाई करने के लिए मुझे बैकग्राउंड कलर ये वाला डालना है और इनको जो है सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह से करना है। सो मेरे पास यहाँ पे जो है मैंने पहले से नोट पैड के अंदर जो है इसके कलर के जो कोड्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसका जो मेन जो इसका सेक्शन है उसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको स्टाइल, और यहाँ पे लिखूँगा मैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे हैशटैग लगाने के बाद ये कोड डाल देता हूँ, और ये कोड डबल हैश नहीं लगाना, सिंगल लगाना है, और इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। तो अब जो है यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यू कैन सी इसका जो बैकग्राउंड में कलर जो है वो आपका आ चुका है। अब मुझे इस कंटेंट को जो है थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अलाइन करना है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे पैडिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पैड जाता हूँ और स्टाइल ऐड करता हूँ,
स्टाइल के अंदर जो है मैं यहाँ पे पैडिंग जो है सिर्फ पैडिंग लिखता हूँ। अगर मुझे पैडिंग टॉप या पैडिंग बॉटम ऐसा कुछ करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपल पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका जो है बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। सो अगर मुझे इसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो पैडिंग है वो आपकी से फॉर एग्जाम्पल बॉटम पे या अलग अलग मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगर पैडिंग ऐसा करेंगे तो सारी ऑल ओवर चारों तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम जो है यहाँ पे पैडिंग टॉप ले लेते हैं। पैडिंग टॉप में यहाँ पे 45 पिक्सल कर देता हूँ और उसके बाद जो है पैडिंग राइट, तो पैडिंग राइट में मुझे जो है यहाँ पे सिर्फ 10 पिक्सल का रिक्वायरमेंट है और पैडिंग लेफ्ट के अंदर जो है मुझे यहाँ पे 10 पिक्सल की ही रिक्वायरमेंट है सपोज कर लो। और इसको जो है हम सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, राइट। तो यू कैन सी इसके ऊपर साइड पे जो है हमें थोड़ा स्पेस देखने को मिल रहा है और ये जो है आपका सो इस तरह से जो है आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। मैनुअली अब ये देखो इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो अगर इस तरह से आपको करना है ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है यहाँ पे इतना ना करके आप सीधा एक सिंगल के अंदर भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हम डालते हैं पैडिंग और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4%। ये पैडिंग 4% कर दिया तो यू कैन सी यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करते हैं तो ये आपका जो है पूरे दोनों चारों तरफ से जो है बिल्कुल सेट हो चुका है, राइट। अगर इसमें और थोड़ा सा आपको चाहिए है ऐसा तो आप यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आप इंक्रीज कर दें, 5% कर दें, तो ये आपका और सिस्टमेटिक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है हमने क्या करना है, ये जो कंटेंट है इसके बीच में क्या करना है, लाइन के बीच में हम हर लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस डालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका कंटेंट है यहाँ पे जाते हैं स्टाइल और यहाँ पे लिखते हैं लाइन हाइट, ठीक है, लाइन डैश हाइट करते हैं और लाइन हाइट में जितना भी आपको चाहिए से फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल का जो है मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसकी हाइट का, तो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो नो यू कैन सी यहाँ पे इनके बीच में गैप आ चुका है। अब ये जो लाइन है इसको मुझे बोल्ड करना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर जाऊँगा और इसको जो है मैं बोल्ड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बी टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं बी टैग का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने बोल्ड कर दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी ये जो लाइन है आपकी बोल्ड होगी। अब ये तीन जो लाइनें हैं वो हमें क्या करनी है, वाइट करनी है। तो इसको वाइट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जाते हैं स्टाइल में लिखते हैं और इसका जो कलर है वो डाल देता हूँ मैं यहाँ पे वाइट। तो FFF जो है ये कोड है इसका और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके बाकी जो तीन लाइन्स हैं उनके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और अब अगर हम देखें तो यू कैन सी यहाँ पे आपकी लाइन्स जो हैं वो आपके पास वाइट हो चुकी हैं। ये जो लाइन है इसको मुझे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है सो मैं यहाँ पे जो है इसको BR टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैं BR टैग का इस्तेमाल करके जो है इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो बार मैंने BR टैग का इस्तेमाल कर लिया, अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे बीच में आपके पास गैप आ चुका है, राइट। तो ये आ गया। अभी इसी तरह से हमने ये जो सेकेंड सेक्शन है इसको भी क्या करना चाहते हैं, इसके साथ हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो सेकंड सेक्शन में भी जाना है और यहाँ पे जाने के बाद हम सीधा लिखेंगे स्टाइल और पैडिंग जो है हमने 5% दी है तो यहाँ पर भी 5% कर देता हूँ और ये जो है रिफ्रेश करते हैं तो नाउ यू कैन सी आपका जो है ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके बाद ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद जो है हम ये नीचे साइड का डालेंगे तो इसके लिए भी हमें एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और उस सेक्शन के लिए जो मुझे यहाँ पे वाइट कलर ही लेना है तो मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं डालना है, अलग से सेक्शन लेना है। तो मैं यहाँ पे डिव क्रिएट करता हूँ, ये मैंने डिव क्रिएट कर दिया और इसको हम क्लास में डालते हैं कंटेनर और यहाँ पे जाने के बाद एक और डिव मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और इसको जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे क्लास रो ताकि जो है ये उसमें डिफाइन हो दो सेक्शंस में। अच्छा, इसको सिंगल सेक्शन में ही रखना है तो हमें ये रो की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जो है डिफाइन कर देता हूँ कॉल डैश पूरा फुल 100% ले लेते हैं और इसके अंदर जो है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे H2 टैग का इस्तेमाल करेंगे और H2 टैग का इस्तेमाल करके ये वाला जो है सेक्शन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अंदर इसके पेस्ट कर देता हूँ और इसमें जो है इसके नीचे जो कॉन्टेंट लिखा है इसको मैं P टैग के अंदर डाल दूंगा। तो ये मेरा लिया मैंने यहाँ से और ये मैंने P टैग के अंदर इसको भी पेस्ट कर दिया है और इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे ये सर्टिफिकेट डालना है तो मैं यहाँ पे इमेज टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ IMG टैग का इस्तेमाल और उसके अंदर जो सर्टिफिकेट है उसका मेरे को कॉपी करना है यहाँ से। ये मैंने Ctrl A करके कॉपी कर लिया और उसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
और इसकी भी जो है स्टाइल करके मैं यहाँ पे इसको जो है पहले से विड्थ जो है इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। विड्थ में मैं डाल देता हूँ से फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल जो है हम सेट कर देते हैं। ये मैंने सेव कर दिया और चलते हैं यहाँ पे सीधा इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अगर रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसको हमने सभी को सेंटर अलाइन करना है, तो सेंटर अलाइन करने के लिए जो है वापस चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है ऊपर में स्टाइल के अंदर जो है मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन टॉप डिफाइन करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 35 पिक्सल जो है वो डिफाइन करना चाहता हूँ, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। इससे क्या होगा कि ये मेरे पास ऊपर में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सेंटर में अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, तो लेट से हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, तो यू कैन सी सारा कंटेंट जो है आपका सेंटर में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये जो बीच में जो लिखा हुआ है ना, जैसे इस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन जो है इसको मुझे डिफरेंट कलर डालना है इस चीज़ को। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर अलग से स्पैन करके जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ स्पैन, ठीक है। ये मैंने स्पैन डिफाइन कर दिया और यहाँ से यहाँ पर भी जो है स्पैन को क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे स्टाइल में जाता हूँ और इसका जो कलर है वो कलर जो है वो हमने ऊपर में जो बैकग्राउंड कलर डाला था ये वाला, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके जो है हम इस स्पैन के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो है एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यू कैन सी इसका कलर जो है वो आ चुका है। अब ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से दो लाइनों में डालना है। तो दो लाइनों में डालने के लिए व्हाट आई विल डू इज, मुझे यहाँ पे एक BR टैग डाल देता हूँ। ये मैंने BR टैग डाल दिया, तो इससे क्या है ये दो लाइनों में आ जाएगा। यू कैन सी ये दो लाइनों में आ गया। अब जो है मुझे इसको सर्टिफिकेट को थोड़ा साइज़ जो है वो बड़ा करना है, तो साइज़ बड़ा करना है तो बहुत आसानी से जो है हम यहाँ पे साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो अब इसको मैं परसेंटेज के हिसाब से भी डिफाइन कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल 80% जो भी आपका स्क्रीन का साइज़ हो उसके हिसाब से 80% में जो है ये आपका सर्टिफिकेट दिखे, तो ये इस तरह से दिखेगा। बट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको मैं जो है यहाँ पे 60% करके देखते हैं। तो यू कैन सी ये 60% आपका थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। अब ये जो ऊपर वाला जो फॉन्ट है इनके बीच में अगर आपको गैप देना है तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब पी टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे स्टाइल लगाते हैं, और स्टाइल में यहाँ पे इसका जो आपका जो टॉप है उसको मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप में ले लेते हैं। पैडिंग टॉप में से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 25 पिक्सल का स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अगर करता हूँ तो यू कैन सी इनके बीच में स्पेस आ चुका है, राइट। और इसी तरह से अब यहाँ पे सर्टिफिकेट आ गया। अब सर्टिफिकेट के बाद अब ये जो नीचे का सेक्शन है इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो है इसके ओवरऑल के अंदर मैं स्टाइल डाल देता हूँ और इसके अंदर पैडिंग बॉटम में जो है 35 पिक्सल जो है वो ऐड कर देता हूँ। और एक और सेक्शन फाइनली लास्ट में जो है मैं क्रिएट करूँगा विच इज़ डिव। तो ये हमने यहाँ पे डिव क्रिएट करना है और डिव को बंद करना भी था, तो ये मैंने डिव क्रिएट करा और इसको जो है हम डिफाइन कर देते हैं क्लास कंटेनर। और इसके अंदर जो है मैं एक और डिव क्रिएट कर देता हूँ और इस डिव को जो है हम क्लास डिफाइन कर देते हैं कॉल डैश 12 ताकि फुल स्क्रीन के अंदर आ सके। और इसके अंदर जो है मैं H1 टैग जो है वो डिफाइन करता हूँ और उसके अंदर ये जो पूरा कोड है उसको मैं कॉन्टेंट है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके नीचे जो है मैं यहाँ पे पी टैग का इस्तेमाल करता हूँ और पी टैग का इस्तेमाल करके ये जो कॉपीराइट है ये सेक्शन ये कंटेंट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे देना है इसको बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पे जो सेक्शन डिफाइन करा उसको जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर का भी मैंने कोड यहाँ पे ले रखा है, तो इस कोड को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है और अब जो है अब चेक करते हैं कि ये आपका किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है हमें देखने को मिल रहा है। बट इसका जो फॉन्ट है वो मैं क्या चाहता हूँ वाइट हो, तो मैं यहीं पे इसका जो है फॉन्ट डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट का जो कलर है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे कर लेते हैं कलर, तो कलर हमें वाइट चाहिए। तो 1, 2, 3 और करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यू कैन सी ये आपका कलर फॉन्ट जो है वो वाइट हो चुका है। इसको जो अलाइन करना है वो सेंटर अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में भी आ सके। तो ये जो है आपका रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका सेंटर में भी आ गया। अब इसके ऊपर हमें स्पेस चाहिए और नीचे स्पेस चाहिए, तो हम जो है मैं यहाँ पे पैडिंग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। पैडिंग
टॉप कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल नॉट पैडिंग टॉप जो है हम डिफाइन करते हैं 45, इसके अंदर डिफाइन नहीं करना है हम जो है ये जो सेक्शन है इसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल डिफाइन कर लेता हूँ, सो पैडिंग टॉप जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ 45 पिक्सल, और ऐसे ही मैं यहाँ पे पैडिंग बॉटम जो है उसको डिफाइन कर देते हैं 35 पिक्सल। तो ये हमने डिफाइन करा और रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर टॉप में और बॉटम में भी आपके पास स्पेस आ चुका है। और ये जो फॉन्ट साइज़ है तो फॉन्ट साइज़ आप आसानी से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं आपके पैराग्राफ का, तो यहाँ पर भी आप स्टाइल के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट साइज़ में यहाँ पे 0. से फॉर एग्जांपल 8 REM के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमने रिफ्रेश करा तो यू कैन सी ये आपका साइज़ जो है फॉन्ट का कम हो चुका है। तो ये आपका लैंडिंग पेज जो है वो आपका रेडी है, राइट। तो इसमें जो भी जिस हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन चाहिए वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको जो है किस तरह से आप बहुत आसानी से लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी आपको बेसिक से तरीके से जो है मैंने लैंडिंग पेज क्रिएट करना सिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो प्लीज़ नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें। फिर मिलते हैं कि एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम।